सफल लोग रास्ते तो बदल सकते हैं लेकिन इरादे कभी बदलते नहीं हैं, और असफल लोग मौका पड़ने पर इरादे ही बदल देते हैं। और इसे समझ लिया तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह महीना यानी अगस्त महीने में यह सफलता का गुरु मंत्र बन जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मिथुन राशि अगस्त राशिफल। आज का राशिफल बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी चंद्रमा चौथे आठवें बारहवें जाते हैं तकलीफ देते हैं, वो डेज बताऊंगा। उसके बाद कौन से ऑस्पिशियस डेज हैं जब विशेष राजयोग बन रहे हैं, उसके बाद हम राशिफल की शुरुआत करेंगे बिजनेस एंड वेल्थ से। जॉब और प्रोफेशन की बात करेंगे, लव लाइफ रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ की बात करेंगे, स्टूडेंट लर्नर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम सेहत की और ट्रैवल प्लान की बात करेंगे, और अंत में यादगार और शानदार ये महीना बना दे इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। प्रिय साथियों, शुरुआत करते हैं राशिफल की। जब भी मिथुन राशि से चंद्रमा चौथे आठवें और बारहवें जाएंगे, आपने देखा होगा कि अक्सर महीने में दो चार दिन ऐसे होते हैं जो बहुत निराशावादी होते हैं। हर काम को डिले, डिस्टर्बेंस, काम बनते नहीं है, टेंशन, डिप्रेशन, अकेलापन, खालीपन, ये रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉट डैमेज हो जाते हैं। इसी कड़ी में 2, 3, 30 और 31 अगस्त को बारहवें रहेंगे, 12-13 अगस्त को चौथे और 20-21 अगस्त को आठवें रहेंगे। इन डेज पर आप थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन आपके लिए बहुत सारे शुभ तारीखें भी है मेरे पास। पहले तो 8 से लेकर 11 अगस्त तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, 9 और 10 अगस्त को चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, 16 से लेकर 26 अगस्त तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग, 22 और 23 अगस्त को चंद्र गुरु का गज केसी योग रहेगा। इस महीने प्रिय साथियों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 22 अगस्त रक्षाबंधन और 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सब मनाएंगे। शुरुआत बिजनेस एंड वेल्थ से करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस पे कहीं से धन आपको बोरो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा लोन के लिए, ताकि आपको वर्किंग कैपिटल मिल सके, ताकि आप काम आगे बढ़ा सके। अपनी स्ट्रेटेजी और जो मनी फ्लो है उसके लिए आपको खर्चे और कर्जे को कम करना है, कुछ सेपरेट मनी रखनी है ताकि अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग जाए तो हम कैसे पूरा करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोगों के लिए बहुत नए अवसर लेकर आ रहा है यह महीना। अगर आप न्यू बिजनेस आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरी रिसर्च करिए और एकांत में बैठकर अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पता लगाइए, तब उसे जमीनी स्तर पर लाकर अमली जामा पहनाइए, आपको सफलता मिलेगी। वेल्थ के साथ लग्जरी को बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। 16 अगस्त से सूर्य का व्यापार भाव से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिससे एसेट्स और अकाउंट्स में और अपने मैनेजमेंट में आपको कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। चाहे वो स्टाफ को बदलिए, स्टाफ के एटीट्यूड को बदलिए, वेल्थ मैनेज करने की कोशिश करिए। पुराने मित्र, रिश्तेदार, पुराने ग्राहक, पुराने सरकारी महकमे के लोग आपकी मदद करेंगे और नए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन निराशावादी लोग और ऐसे एनवायरमेंट से पहले दूर रहिए। बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। यह महीना आपको करियर की नई ऊंचाइयों की तरफ जरूर लेकर जाएगा। बिजनेस, जॉब और प्रोफेशन में गोल एंड टारगेट को पूरा करने में सफलता जरूर मिलेगी। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी बनेगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सहारा लेकर अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे। वेबिनार में हिस्सा लेकर ऑनलाइन स्टडी करके अपनी मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्किल को बेटर करने का मौका मिलेगा। केतु की पांचवी दृष्टि कर्म स्थान पर होने से आपके जॉब चेंज करने का सपना साकार होगा। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एम्प्लॉयज, अधिक वर्कलोड के कारण अपनी जॉब से बड़े नाखुश रहेंगे और डिससैटिस्फैक्शन की वजह से डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। इस पर ध्यान दीजिए, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपको कठिन परिस्थिति से उबार ही देगी। फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपको कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, जैसे घर बदलना, घर के इंटीरियर को बदलना, अपने घर में पॉजिटिविटी कैसा है इस पर ध्यान देना जरूरी है। फैमिली लाइफ और लव लाइफ के माध्यम से देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, गलतफहमी को नहीं बढ़ाना है। परिवार के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक गैजेट्स खरीदने का मौका मिलेगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक चीजें तो कम खरीदते हैं, लेकिन घर में कुछ भी ऐसी तोड़फोड़ या कुछ भी ऐसी खराब चीज है उसे बदल दीजिए। आपके विरोधी आपके परिवार में फूट डालने की पूरी कोशिश करें, बैठे बैठे आप कान के कच्चे हो जाएंगे और अपने ही प्यार, इश्क और मोहब्बत जिससे है उसी से ही आप शक कर बैठेंगे। जो यंग कपल्स रिलेशनशिप में है उनके मीटिंग की संभावना ज्यादा है, सिंगल को कंपेनियन मिल सकता है।
और कंपेनियन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना, हसीन पल को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। एक दूसरे पर विश्वास करिए, एक दूसरे पर अविश्वास मत करिएगा। 16 अगस्त से सूर्य का सेवंथ हाउस से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिससे मैरिड लाइफ में आपके जीवन साथी के साथ कुछ कॉन्टैक्ट मिलेंगे। सोशल मीडिया पर आप उन कॉन्टेंट को डालिए। पति पत्नी दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी भी पूरी करें और प्रोफेशनल जिम्मेदारी को भी पूरा कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करिए, उसके लिए सेहत सबसे पहले अच्छी करनी जरूरी है। रिश्तेदार आपके लिए लकी चार्म बनेंगे, जो आपके रिश्तेदारी को और बेटर बना पाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर्स की। स्टूडेंट हायर एजुकेशन हो या जनरल एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस महीने आपका एनर्जी का लेवल बहुत शानदार रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद ऐसा रहेगा कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टैलेंट का लोहा मनवा पाएंगे। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, भाग लेकर आप भागने से बच जाएंगे। शनि की दसवीं दृष्टि एजुकेशन हाउस पर होने से स्टूडेंट को इतना समझना है, क्योंकि वही घर लव पार्टनर का भी है। आपको किसी पर निर्भर और मोहताज नहीं रहना है। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और जो सोशल मीडिया है उसको और प्यार इश्क और मोहब्बत को थोड़ा कम कर दीजिए, वरना ये महीने में पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लेयर्स के लिए अगस्त महीने में जो एकेडमी ज्वाइन करना, अपनी फिटनेस को बरकरार रखे, नई जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसमें नए आयाम को छूने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट के लिए इंटरनेट से बढ़कर कुछ नहीं होगा, उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और मन में ज्यादा से ज्यादा चीजें बिठा पाएंगे। लर्नर्स के लिए अच्छी बुक, आर्टिकल, ब्लॉगिंग, यूट्यूबर बनना, कुछ भी ऐसा जो आपको आता है, उसके लिए आप कुछ न कुछ ग्रुप डिस्कशन करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करिए, सब लोगों के लिए बेटर काम हो जाएगा। बात करते हैं सेहत और ट्रैवल की। मंथ स्टार्टिंग में सर्दी जुकाम मौसम की बीमारी आपको झेलनी पड़ेगी। हेल्थ इश्यूज को लेकर बैठे बैठाए कोई तकलीफ आ जाएंगे, चोट लग सकती है, घुटने और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होगी, ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। लंबे समय से घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी, तो आपके स्पेशल एफर्ट से उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी और स्वास्थ्य का समाधान जरूर होगा। मंगल की चौथी दृष्टि रोग भाव पर होने से ट्रैवल ट्रिप को लेकर ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करें और किसी और के साथ लटक के जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ट्रैवल को प्लान करना पड़ेगा और पूरी सुरक्षा उस पर ध्यान देनी पड़ेगी, वरना चोट, दुर्घटना गाड़ी की भी हो सकती है और खुद के भी ब्लड लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रिप संभव है, दो बार पूरे मौके मिलेंगे। बिजनेस मीटिंग और सेमिनार वेबिनार के लिए बॉस के साथ ट्रैवल करना पड़ सकता है, इसके लिए शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं विशेष उपायों की, जो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यादगार और शानदार यह महीना बना सकते हैं। 8 अगस्त हरियाली अमावस्या पर रात को सोने से पहले शनि मंदिर में दीपक जलाएं या पीपल वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से शनि से संबंधित और पितरों से संबंधित आ रही समस्याएं दूर होगी। 13 अगस्त नाग पंचमी के पावन अवसर पर नाग देवता के मंदिर में दूध चढ़ाएं। 22 अगस्त रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय बहने अपने भाई को जरूर मालपुए दें और आयु की वृद्धि के लिए ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रति बंदनामी रक्षे माचल माचल। भाई को बेसन से निर्मित मिठाई भी खिलानी चाहिए और हरी डोरी वाली राखी बांधे तो शुभ। 25 अगस्त कजली तीज पर अखंड सौभाग्यवती बनने के लिए इस दिन शिव पार्वती के मंदिर जाकर लव बर्ड्स लाइफ पार्टनर के साथ जाइए और माता पार्वती और शिव जी के चरणों में, स्पेशली माता पार्वती के चरणों में सिंदूर अर्पित करें और महिला वही सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। 30 अगस्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाएं और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। प्रिय साथियों, स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहकर इस महीने गुजारेगा। आप मुझसे इस महीने बहुत सारी जगह पर पर्सनली भी मिल सकते हैं और साथ में आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।